अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टू वे स्लैब्स स्टार्ट करना है, जिसमें टार्ट वाली एक एग्जांपल हम करेंगे, जिसमें हमने जस्ट स्लैब की थिकनेस जो है वो कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी होनी चाहिए। टिपिकली हमारी स्लैब जो होती है उसका बिहेवियर समझने के लिए, जो पहले हमने बीम और कॉलम्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स डिफ्लेक्शन के यूज किए हुए थे, कि बीम्स या कॉलम के जो डिफ्लेक्शन होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि आपकी सपोर्ट कंडीशंस क्या आ रही हैं। सही है। तो जैसे अगर दोनों पिन सपोर्ट्स होंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, बनिस्बत के अगर हमारी फिक्स्ड सपोर्ट्स होगी तो बीम में डिफ्लेक्शन कम आ रही होती है, और सेम केस कॉलम्स के अंदर आ रहा होता है। तो वही कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ हमारे स्लैब के अंदर भी यूज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस फिगर में देखो तो दो साइड्स के ऊपर हमारे पास बीम्स आ रही हैं, और उसके ऊपर हमारे पास लेट से अगर डिफरेंट प्लैंक्स पड़े हुए हैं जिनके ऊपर हमारे पास क्यू लोड लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो काइंड ऑफ इन ये प्लैंक्स ज्यादा स्लैब एक्ट कर रहे हैं। और अगर इसमें हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो क्यू लोड जो है वो इन दो डायरेक्शंस के ऊपर हमारा डिस्ट्रीब्यूट होके इन साइड वाली बीम्स के ऊपर आ रहा होगा, जहां से रिएक्शन यहां से अगर नीचे कॉलम्स होंगे तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर इसको मैं साइडवेज देखूं तो ये बीम है, बीम्स हैं, उसके ऊपर ये प्लैंक्स आ रहे हैं। इसकी डिफ्लेक्शन को आप इमेजिन करें तो लाइक ये काइंड ऑफ इस तरह करके डिफ्लेक्ट हो रहा होगा, राइट? जब हम अभी इसी कॉन्सेप्ट को अगर बीम्स के ऊपर, जो बीम्स वाला कॉन्सेप्ट तो पहले उस पर अप्लाई करो, साइड के ऊपर सपोर्ट्स हैं और ये एक लेट से बीम पड़ी हुई है ऊपर, जो कि यहाँ पे स्लैब है। स्लैब को अगर एज अ बीम कंसिडर करो, अगर ऊपर बीम पड़ी हुई है, साइड पे सपोर्ट्स हैं और यूडीएल लगा हुआ है, तो डिफ्लेक्शन होगी। और यूडीएल में जब हम बीम के ऊपर लोड कैलकुलेट कर रहे होते थे तो वो आ रहा होता था मैक्सिमम कह लो मोमेंट जो आ रही होती थी W L² / 8 आ रही होती थी। एक प्लैंक के ऊपर अगर मैं मोमेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम मोमेंट मेरी मोमेंट अबाउट A एक्सिस आ रही होगी W L² / 8, राइट? जो इस केस में W L1² / 8, और अगर मैंने उसको पूरी स्लैब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस W L1² को मल्टीप्लाई कर दूंगा ये जो दूसरी वाली लेंथ है इसमें, और ये लेंथ आ रही है हमारे पास L2। मोमेंट अबाउट AA एक्सिस जो आ रही है हमारे पास मैक्सिमम मोमेंट इस स्लैब में, इस पूरे वाले स्लैब के अंदर, वो आ रही है Q, जो कि पहले में प्लेट से बीम में W कहते थे तो इसमें हम Q कह देते हैं, Q L1² / 8। L1 इसलिए कि जो AA एक्सिस है उसके अबाउट जो डायमेंशन है वो L1 है, L1² / 8 मल्टीप्लाई बाय L2, ये हमारे पास मोमेंट अबाउट AA एक्सिस आ रही है। सिमिलरली अगर मेरे पास टू वे स्लैब होती तो अगर इस वाली M अबाउट BB एक्सिस अगर मैं कैलकुलेट कर रहा होता तो मोमेंट मेरी आती सेम ही आती, जस्ट ये L1 और L2 डायमेंशन हमारे पास चेंज हो जाती है। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है जो शो कर रहा है कि जो हमारे पास बीम में जिस तरह जो शुरू हुआ बीम्स में हमारे पास मोमेंट्स जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, काइंड ऑफ सिमिलर तरीके से हमारे पास स्लैब के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। अब यहाँ पे आ रही है बात के डिफ्लेक्शन कितनी है, मोमेंट्स तो हमारे पास उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लेकिन डिफ्लेक्शंस हमारे पास डिपेंड कर रही है कि बीम और स्लैब का जो कनेक्शन है उसकी रिजिडिटी कितनी है, या उसके अंदर आप सपोर्ट टाइप किस तरह की कहेंगे। जिस तरह हम कॉलम्स के अंदर या बीम्स के अंदर सपोर्ट्स कहते हैं कि फिक्स्ड हो, तो हमारे पास डिफरेंट
बिहेवियर आ रहा है, पेन आ रहा हो तो डिफरेंट बिहेवियर आ रहा है। इसी तरह स्लैब के अंदर भी जो हमारा स्लैब और बीम का कनेक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास स्लैब कैसे बिहेव कर रही है। तो कॉलम के अंदर जिस तरह हम या इवन बीम के अंदर भी उस बिहेवियर को कैलकुलेट करने के लिए हम कर रहे थे कि स्टिफनेस वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते, जो कि हम के फैक्टर कहते हैं या साई वैल्यू में कह रहा था, जिसमें 4EI/L कॉलम का डिवाइडेड बाई 4EI/L बीम का हमने कैलकुलेट किया था। सेम फॉर्मूला स्लैब के अंदर भी हमारा यूज हो रहा होता है, जिसमें हम बीम टू स्लैब स्टिफनेस रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और अगर इस फॉर्मूला को देखो, अल्फा एफ 4ECBIB/L डिवाइड बाई 4ESIS/L, तो ये फॉर्मूला हमारे पास जो हमने कॉलम में यूज किया था साई कैलकुलेट करने के लिए, उस वही सेम फॉर्मूला है। डिफरेंस बीइंग के वहां पे कॉलम और बीम की स्टिफनेस रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं सपोर्ट पे, इसमें हम बीम और स्लैब की जो सपोर्ट है उसकी स्टिफनेस रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सिंपलीफाइड फॉर्म में, क्योंकि स्लैब और जो बीम की लेंथ होगी वो तो सेम ही होगी, तो लेंथ सेम, 4-4 कट के हमारे पास EBECBIB/ECSIS। अगर इस सेक्शन को देखो तो ये हमारे पास एक स्लैब आ रही है, जिसको लाइक हमने सेक्शन में काटा हुआ है, हाफ स्लैब शो हुई है, और स्लैब आके रेस्ट हो रही है हमारे पास एक बीम के ऊपर, सही। अब बीम हमारी बेशक चाहे स्केयर या रेक्टेंगुलर हो साइड के ऊपर, लेकिन क्योंकि हमारे पास मोनोलिथिक कास्टिंग होती है और स्लैब और बीम के कोई ना कोई जॉइंट रिइंफोर्समेंट्स भी कोई ज्वाइन कर रही होंगे, तो बीम हमारी लाइक कुछ पार्ट जो स्लैब का है वो भी हमारा एज अ बीम एक्ट कर रहा होगा, तो वो यहाँ पे एज अ शेडेड शो किया हुआ। कितना पार्ट एक्ट कर रहा होगा एज अ बीम वो हम लाइक आगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जब तुम्हें बताऊंगा। और स्लैब को जो ये फिगर बी है इसमें हमारे पास स्लैब को हाईलाइट किया हुआ है, सेंटर स्लैब के सेंटर से लेकर एज तक। सिमिलरली अगर कोई इंटीरियर बीम होगी जहाँ पे दो साइड्स के ऊपर स्लैब्स कंटिन्यू हो रही है, तो उसमें भी बीम वाला पोर्शन ये शेडेड हुआ हुआ है, और स्लैब हमारे पास हम जो कंसीडर कर रहे होंगे आईएस निकालने के लिए, वो सेंटर टू सेंटर दो साइड्स के ऊपर जो एक्सटेंड हो रहा होगा पैनल्स, उसके ऊपर जो डिस्टेंस होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। तो जब भी हम स्लैब्स का डिजाइन कर रहे होंगे उससे पहले हमने अल्फा एफ वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, जो कि बीम और स्टिफनेस बीम और स्लैब की स्टिफनेस रेशियोज हैं। और ये अल्फा एफ वैल्यूज हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम इसकी बेस के ऊपर हम डिफ्लेक्शंस को देख सकेंगे कि डिफ्लेक्शंस कितनी होंगी, और क्योंकि हमारा स्लैब का डिजाइन जो होता है वो मोस्टली डिफ्लेक्शन कंट्रोल होता है, मतलब जो हमारा हम चीज जो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो डिफ्लेक्शंस कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम बाकी चीजें कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो स्टार्ट हमारा मोस्टली यहाँ से हो रहा होता है। और डिफ्लेक्शन हमारी कंट्रोल कैसे होगी, लेट्स से अगर कोई मेरे पास स्लैब है, इसी तरह की कोई स्लैब है जिसमें बीम लाइक सेंटर इंटीरियर बीम ये है, एक्सटीरियर बीम है, और ऊपर कोई स्लैब आ रही है, तो इस स्लैब की डिफ्लेक्शन मैंने लाइक सर्टेन लिमिट से कम रखनी होती है, और अगर मैंने उसको कंट्रोल करना है तो मैं डिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ कि ये जो बीम और स्लैब की स्टिफनेस रेशियो है
एक तो इसको मैं अगर इंक्रीज कर दूंगा तो मेरे पास डिफ्लेशन कम आ जाएगी, और दूसरा तरीका है अगर मैं इस स्लैब की थिकनेस को इंक्रीज कर दूं तो तब भी मेरे पास स्लैब में डिफ्लेक्शन कम आ जाएगी। और तीसरा है कि अगर मैं स्लैब के अंदर रिइंफोर्समेंट कितनी हम डाल रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि स्लैब के अंदर थिकनेस कितना स्टिफ लाइक डिफ्लेक्शन कितनी आएगी। तो तीन चीजें, बीम टू स्लैब थिकनेस रेशियो, बीम टू स्लैब स्टिफनेस, स्लैब की थिकनेस और स्लैब के अंदर जो रिइंफोर्समेंट्स हैं, वो तीन चीजें इंपैक्ट कर रही हैं कि हमारे पास स्लैब के अंदर डिफ्लेक्शन कितनी आएगी। तो हम स्लैब के डिजाइन में यही मोस्टली तीन चीजें हम डिसाइड कर रहे होते हैं एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो सबसे पहला जो स्टेप कह लो या जो भी कह लो वो हमारा यही होगा कि हम बीम टू स्लैब स्टिफनेस रेशियो कैलकुलेट करेंगे L5। उस बेस के ऊपर हम ये देखेंगे कि हमारी स्लैब की हमने थिकनेस कितनी रखनी है, जो हमने स्टार्टिंग थिकनेस रखनी है वो लाइक हमारे पास डिसाइडेड होगी यूजिंग अ टेबल जिसमें हमारे पास अल्फा एफ वैल्यूज यूज हो रही होती हैं। बैक टू दिस, तो जिस टाइप की भी हमारे पास स्लैब होगी जिसमें बीम्स आ रही होंगी उसमें हम ये वाला ख्याल रखना है कि जो एज बीम्स हैं उसमें शेडेड एरिया जो होगा उसका हमें आई बी निकालना पड़ेगा। सेम आई एस के लिए हमें ये शेडेड एरिया जो होगा सेंटर से लेकर एज तक वो हम एज अ स्लैब कंसिडर करेंगे। इंटीरियर बीम्स के अंदर जैसा यहाँ पे शेडेड एरिया बीम का आई बी निकालने के लिए होगा, और सेंटर टू सेंटर दो पैनल्स का जो शेडेड एरिया शो हुआ हुआ है वो आई एस निकालने के लिए होगा। और एक और पॉइंट के जब हम बीम टू स्लैब स्टिफनेस रेशियो निकाल रहे हैं तो हर एज जो स्लैब का आ रहा है हर एज का अल्फा एफ वैल्यू अलग अलग निकलेगी। तो एक पैनल है उसके चार एजेस होंगे, तो उन चार एजेस के ऊपर हम अल्फा एफ निकालेंगे, उसकी बेस के ऊपर हम स्लैब की थिकनेस पर निकालेंगे। इस फिगर में जस्ट एक सेक्शन शो हुआ है, उस सेक्शन में एच बीम शो हुई हुई है और इंटीरियर बीम शो हुई है। पूरी बिल्डिंग के अंदर अब काफी ज्यादा पैनल्स होंगे क्योंकि स्पेन जिस तरह भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेट्स से 3x3 लाइक 10x10 भी हो सकता है या डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो लाजमी नहीं होता कि हमें हर पैनल का के हर एज के ऊपर हमें अल्फा एफ निकालना पड़े। मोस्टली यही होगा कि पैनल्स हमारे डिफरेंट यही आ रहे होंगे कि जो एज पैनल है, मतलब अगर मैं एक ही सेक्शन देखूं पूरी बिल्डिंग का तो उसका एज पैनल डिफरेंट होगा। तो मुझे एक बार कम से कम एज पैनल का स्पेन के ऊपर अल्फा एफ निकालना पड़ेगा दो के ऊपर, और किसी एक इंटीरियर पैनल के ऊपर निकालना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली लाइक लेंथ जो है वो सब इंटीरियर पैनल्स के अगर सेम होगी तो मुझे सिर्फ एक ही का निकालना पड़ेगा। अगेन क्योंकि हम ये नहीं करेंगे कि एक पैनल के ऊपर स्लैब लेट से 10 इंच रखी है और उससे अगले पैनल के ऊपर हम उसको 6 इंच या 8 इंच भी यूजली नहीं करेंगे। तो स्लैब क्योंकि हमने तकरीबन सेम ही थिकनेस की रखनी होती है मोस्टली, तो इसलिए मैं देखूंगा कि जो सबसे ज्यादा लेंथ वाला पैनल है इंटीरियर में मे भी सिर्फ उसके में अल्फा एफ निकाल लूं। तो सबसे ज्यादा लेंथ वाले का जो अल्फा एफ की बेस के ऊपर जो मेरी थिकनेस आएगी मैं उसी थिकनेस को सब के ऊपर लाइक सब पैनल्स के ऊपर यूज कर लूंगा ताकि जो सबसे ज्यादा थिकनेस आ रही है वो ही सबके ऊपर हो, बजाय इसके कि मैं सबसे कम थिकनेस वाला कहीं आ रहा हो उसको यूज करूंगा तो मेरी डिफ्लेक्शंस ज्यादा होंगी। क्योंकि इन जनरली जैसे ही आप थिकनेस इंक्रीज कर रहे हो आपकी स्लैब के अंदर डिफ्लेक्शंस कम आ रही हैं। तो ये लाइक कैलकुलेशन आपको अल्फा एफ की किसी एक ही पैनल के ऊपर करनी पड़ेगी। वो पैनल कौन सा होगा जिसके अंदर हमारे पास स्पैन लेंथ सबसे ज्यादा होगी।
अब इस एग्जांपल में अगर देखो तो हमारे पास स्लैब की थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइडेड है, एन 8 इंच स्लैब थिकनेस इज प्रोवाइडेड विद एन एच बीम दैट हैज अ टोटल डेप्थ ऑफ 16 इंचेस एंड द विड्थ ऑफ 12 इंचेस। कि ये हमारे पास स्लैब का क्रॉस सेक्शन शो हुआ है, जिसमें एच बीम जो है 16 इंचेस डेप्थ है और 12 इंचेस विड्थ है। सिमिलरली यहाँ पे भी एच बीम उसी टाइप की होगी। लेट्स से मैंने इस वाले एज के ऊपर स्लैब और बीम की स्टिफनेस रेशियो अगर मैंने कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो वही बीम का क्रॉस सेक्शन मुझे डिसाइड करना पड़ेगा और स्लैब का। स्लैब का तो हमारा सिंपल होगा कि इस स्पैन के सेंटर से लेकर एज तक, तो ये सेंटर से लेकर एज तक 126 इंचेस उसकी लेंथ बन रही है और थिकनेस हमें दी हुई है 8 इंचेस। सिमिलरली जो एज बीम आएगी उसकी डेप्थ तो हमारे पास 16 इंचेस ये दी हुई है, जिसमें से 8 इंचेस स्लैब का हो गया और 8 इंचेस बाकी नीचे बीम आ गई। विड्थ उसकी 12 इंचेस ये वाली आ गई, और फिर कुछ पोर्शन हमारे पास स्लैब का है जो एज अ बीम एक्ट कर रहा होगा, तो यहाँ पे 8 इंचेस है, तो वो कहाँ से आया है हमारे पास? इधर ऊपर वाली अगर फिगर में देखो तो दो टाइप्स की बीम्स दी हुई है, या तो एज वाली बीम होगी या इंटीरियर बीम होगी। तो एज बीम के अंदर जो ये कितना एक्सटेंड होगा हमारा स्लैब एज अ बीम जो पोर्शन एक्ट कर रहा होगा, वो होगा एच डब्ल्यू बट नो मोर देन 4H। एच डब्ल्यू डायमेंशन हमारे पास ये है और एच डायमेंशन हमारे पास स्लैब की थिकनेस है, तो एच डब्ल्यू वैल्यू होगी लेकिन वो वैल्यू लाइक 4H से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर एच डब्ल्यू देखो तो हमारे पास 8 इंचेस आ रहा है, और स्लैब देखो तो वो भी हमारे पास 8 इंचेस आ रही है, तो इसलिए ये वाली जो डायमेंशन है ये हमारी ये एच डब्ल्यू है, राइट? सिमिलरली अगर इंटीरियर बीम होगी तो उसमें ये जो ऊपर टोटल जितना भी ऐड हो रहा होगा कि कितना हमने एक्सटेंड करना है वो भी उतना ही है। एच डब्ल्यू एक साइड पे एक्सटेंड हो रहा होगा ये और एच डब्ल्यू दूसरी साइड पे एक्सटेंड हो रहा होगा, तो टोटल वो यहाँ पे ऊपर शो हुआ है कि बी डब्ल्यू प्लस एच डब्ल्यू प्लस एच डब्ल्यू बट नो मोर देन बी डब्ल्यू प्लस 2 × 4H। तो सेम ही है, जितना हमारे पास एच डब्ल्यू होगा उतना ही ऊपर एक्सटेंड हो रहा होगा। तो ये तो हमारा डिसाइड हो गया कि लाइक स्लैब का कितना पोर्शन है जो जो एज अ बीम एक्ट कर रहा होगा जब हमने इनर्शिया कैलकुलेट करना है। उसके बाद इट्स सिंपली अ मैटर ऑफ के इनर्शिया कितना है, आई बी कितना है। अगर इस सेक्शन में देखो तो आई बी कितना होगा, रेक्टेंगुलर है तो बी एच क्यूब बाई 12 दूसरा होता है। ये डायमेंशन बी 126 इंचेस है, एच हमारे पास स्लैब का इस केस में 8 इंचेस है, बी एच क्यूब बाई 12 करके हमारे पास वो आ गया, और सॉरी आई एस, और आई बी के लिए हमारे पास ये सेक्शन आ गया। अब इस तरह के सेक्शन का इनर्शिया निकालने के लिए उसको हम दो रेक्टेंगल्स में लेट से यहाँ से हम डिवाइड कर लेते हैं, और वो जो वाई बार वाला मेथड था उससे हमें कैलकुलेट करके आई बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो वो निकाला हुआ है, इसको मैं यहां से देखो, यहां से अगर डिवाइड करते हैं माउस पॉइंटर को अगर देखो तो ये 12 है ये 16 है, तो बी 12 × 16³ 12 बाई 12 प्लस 12 × 16 ए
वाई स्क्वायर, सो बी एच क्यूब बाई 12 प्लस ए वाई स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे सेक्शन के लिए बी एच क्यूब बाई 12 प्लस ए वाई स्क्वायर। इसमें वाई कितना होगा, जो सेंट्रॉइड हमने निकाला है इसका सेंट्रॉइड 4 के ऊपर है और इसका सेंट्रॉइड हमारा टॉप से 8 के ऊपर आ रहा है, तो उस बेस के ऊपर ये वाई आ रहा है। तो ये वही वाला फॉर्मूला है जो हमारे पास बी एच क्यूब समीशन ऑफ बी एच क्यूब बाई 12 प्लस ए वाई स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसकी बेस के ऊपर आई बी निकाला। तो आई बी ओवर आई एस करके हमारे पास इस बीम का अल्फा एफ निकाला। सिमिलरली अगर हम इंटीरियर बीम का निकालेंगे तो उसमें हमारे पास चेंज आ रहा होगा ये आई एस, ये इस स्पैन के सेंटर से लेकर अगले स्पैन के सेंटर तक आ जाएगा, उसका आई एस निकालेंगे और आई बी के लिए हमारे पास बीम इस शेप की आ जाएगी। जो भी बीम स्लैब वाला सिनेरियो होगा उसमें शेप्स हमारे पास ये शेडेड वाली इसी फिगर से आप अंदाजा लगा सकते हो, यही वाली होंगे। वैल्यूज हमारे पास डिफरेंट क्या आ रही है, या बीम की डायमेंशन चेंज हो जाएगी या फिर ये लेंथ वगैरह चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम स्लैब की थिकनेस को देख रहे होंगे तो स्लैब के डिजाइन में लाइक सबसे पहले वही होगा कि स्लैब की थिकनेस, दूसरा कॉलम्स के डिजाइन में शेप हम देख रहे होते हैं कि शेप कितनी आती है एजी ट्रायल वगैरह से कैलकुलेट करके। इसी तरह स्लैब के केस में हमने सबसे पहले उसकी थिकनेस देखनी होगी। तो इसलिए हमें लाइक ये टेबल देता है विद सर्टेन कंडीशंस स्लैब की थिकनेस निकालने के लिए। तो फॉर स्लैब्स विद बीम्स बिटवीन इंटीरियर सपोर्ट्स एसीआई हमें कहता है कि मिनिमम थिकनेस जो है फॉर अल्फा एफ लेस देन 0.02, फॉर अल्फा एफ एम अगर 0.02 से कम है तो टेबल 13.1 यूज होगा। अल्फा एफ एम 0.2 से 2 के दरमियान है तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी, और 2 से ज्यादा है तो ये नीचे वाली इक्वेशन यूज होगी। अब इसमें अल्फा एफ एम क्या है, कोई भी पैनल जो है हमारा, जैसे ये पैनल है इसमें अल्फा एफ में यहां पे निकाला, इसी तरह अल्फा एफ इस वाली सपोर्ट का निकाला और उन दो की एवरेज ले ली, तो वो मेरे पास जो एवरेज है वो अल्फा एफ एम होगी कि सब अल्फा एफ वैल्यूज की जो एवरेज है वो मैं कैलकुलेट करूंगा। उसके जब वो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद मैं देखूंगा कि इन तीन कंडीशंस में से मैं कौन सी यूज करूंगा। अगर 0.2 से कम है तो ये टेबल यूज होगा, मोस्टली लाइक 0.2 से कम ही होगी तो इसलिए हम डायरेक्टली ये टेबल यूज कर रहे होते हैं। और इस टेबल को अगर देखो तो मिनिमम स्लैब थिकनेस विदाउट इंटीरियर बीम्स, अगर बीम्स नहीं है लाइक इंटीरियर बीम्स नहीं है तो उस केस में हमारे पास स्लैब थिकनेस क्या होगी। इंटीरियर बीम्स नहीं है तो मतलब के ये वो केस होगा जिसमें स्लैब से डायरेक्टली लोड कॉलम्स के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में हम लाइक यूजुअली पंचिंग शेयर को काउंटर करने के लिए हम ड्रॉप पैनल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सही है। तो अगर इंटीरियर बीम्स नहीं है तो अल्फा एफ वैल्यू मोस्टली लाइक 0.2 से कम ही आएगी, और अगर ड्रॉप पैनल फिर हमने देखना है कि लाइक ड्रॉप पैनल्स हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो देखोगे इंटीरियर बीम है या एक्सटीरियर बीम है,
अगर एक्सटीरियर पैनल है तो एक्सटीरियर पैनल में एच बीम है तो स्लैब थिकनेस हमारे पास ये होगी, डिपेंडिंग ऑन FY आप क्या यूज कर रहे हो, मोस्टली हम 60 यूज कर रहे होते हैं तो LN/33। अगर एच बीम भी नहीं है तो LN/30। सिमिलरली अगर ड्रॉ पैनल्स हैं विद एच बीम है तो LN/36, ड्रॉ पैनल है इंटीरियर पैनल है तो LN/36। तो इस टेबल को हमने इस तरह देखना है कि सबसे पहले देखना है कि ड्रॉ पैनल है या नहीं है, फिर देखना है कि इंटीरियर पैनल है या एक्सटीरियर पैनल है स्लैब, और फिर देखना है कि हमारे पास एच बीम है या नहीं है। यहाँ पे आप कंसिडर कर रहे हो कि विदाउट बीम्स, विदाउट इंटीरियर बीम्स है, यहाँ पे हम लाइक विद एच बीम या विदाउट एच बीम हम क्यों देख रहे हैं। तो इवन जो बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें हमारे पास कॉलम से डायरेक्टली स्लैब से डायरेक्टली कॉलम्स के ऊपर लोड आ रहा होता है, उसमें भी केसेस हो सकते हैं कि लाइक एक्सटीरियर वाला जो बाउंड्री बन रही है उसके ऊपर में भी बीम एक प्रोवाइड हुई है ऊपर पर, तो ये उस केस को कंसिडर करने के लिए ये एच बीम्स वाला यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। अगर तो 0.2 से 2 के दरमियान अल्फा FM वैल्यू आ रही है तो फिर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें LN हमारे पास पूरे पैनल की लेंथ है, ये जितनी भी लेंथ होगी ये लेंथ होगी, FY स्लैब के अंदर जो स्टील यूज हो रही होगी उसकी FY वैल्यू है, अल्फा FM वही जो ये एवरेज आएगी अल्फा F की, और बीटा हम लाइक 1 यूज कर सकेंगे। बीटा की वैल्यू ये नीचे अगर देखो तो लॉन्ग क्लियर स्पैन डिवाइड बाय शॉर्ट स्पैन, तो लॉन्ग स्पैन डिवाइड बाय शॉर्ट स्पैन, अगर तो हमारे पास स्क्वायर पैनल है उस केस में हम बीटा की वैल्यू 1 यूज करेंगे, लेकिन अगर रेक्टेंगुलर पैनल है तो लॉन्ग डायमेंशन डिवाइड बाय शॉर्ट डायमेंशन करके जो वैल्यू आएगी वो होगी बीटा। ये तो हमारे पास हो गया कि स्लैब की हमने स्लैब टू बीम जो स्टिफनेस रेशियोज हैं वो कैसे कैलकुलेट करनी है, और अगर स्टिफनेस रेशियोज कैलकुलेट करने के बाद हमने अल्फा FM की बेस के ऊपर स्लैब थिकनेस कितनी कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे अगर देखो तो एक और कंडीशन ये भी है कि जो स्लैब की थिकनेस है वो 5 inches से कम नहीं होनी चाहिए इन स्लैब्स विदाउट ड्रॉप पैनल्स। अगर ड्रॉप पैनल्स नहीं है तो हमारे पास 5 inches से कम नहीं होनी चाहिए, अगर ड्रॉप पैनल्स दिए हुए हैं तो 4 inches से कम नहीं होनी चाहिए, और ये वो केस है जिसमें हमारे पास इंटीरियर कॉलम्स का है।